हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सम्राट देवनाथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर आधार कार्ड गुम हो गया हो तो आप उसे कैसे वापस से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड। अंदर जाने के बाद यहाँ पर जब आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी आधार कार्ड UIDAI, आपको वहाँ क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप आएगा, आप उसको ऐड है दिए हटा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा जाएगा एंटर योर पर्सनल डिटेल, आई हैव आधार कार्ड VDI एनरोलमेंट नंबर। तो हमें आधार कार्ड का निकालना है तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पूछा जाएगा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे हमें पूछा जाएगा आधार कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे हमें जो अपना आधार कार्ड का नंबर है वो लिखना होगा। तो अभी हम लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा जो आधार कार्ड का नंबर है ये 12 डिजिट्स का है, मतलब 12 डिजिट्स का नंबर है ये। तो यहाँ पे लिखा भी होगा नीचे एंडर 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर प्राइवेट ऑन आधार कार्ड परमिटेड ऑन आधार कार्ड। उसके बाद आपको आपका फुल नेम देना होगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर था। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड लिखने के बाद एंटर द सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे जो कोड लिखा होगा ये यूनिक कोड होगा, तो आपको इसे ध्यान से देख के यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डू यू हैव द TOPT, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है, फिर आई एग्री भी क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट्स अगर यही है तो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको उस मैसेज में आपको उस फ़ोन के मैसेज में एक OTP आएगा, तो आपको वही इस पर लिखना है। ये नंबर आ चुका है और हम लिखेंगे यहाँ पे ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का डाउनलोड आधार होगा आपको वहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये फाइल सेव करने की परमिशन मांगेगा, तो आपको फिर यहाँ पे आपके आधार कार्ड का जैसे भी आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि हमें फाइल नेम है नीचे, आपको जहाँ सेव करना है डेस्कटॉप पे सेव करना है वहाँ सेव कर दीजिए, और फाइल का नेम आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, मैंने सेव करते डेस्कटॉप पे, डाउनलोड फाइल हो चुका है ओके। ये रहा फाइल, ये 449 KB की फाइल है, छोटी सी फाइल है। और इसके बाद आपको ये पासवर्ड के बारे में पूछेगा, प्लीज़ एंटर ए पासवर्ड। जो पासवर्ड होगा वो आपका जो नाम है उसके आगे के 4 लेटर्स और आपका बर्थ ईयर, तो आपको आपके नाम का फर्स्ट 4 लेटर्स टाइप करना होगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया, और उसके बाद आपको जो आपका बर्थ ईयर है वो टाइप करना होगा। ठीक है, फिर ओके प्रेस कर देंगे हम। उसके बाद ये देखिए आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आप इस आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी प्रोसेस था। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।